दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर आदेश आर्या है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड्स की पावर या पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति। शब्दों की शक्ति से आप अपना पूरा भाग्य बदल सकते हैं, अपना पूरा इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, अपने अराउंड जो आपकी एनर्जी है उसको चेंज कर सकते हैं। क्या होता है, बेसिकली जो आप सोचते हैं, सोचने से आपके वर्ड बनते हैं, वर्ड से आपकी जिंदगी बनती है, आपका संसार बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो भी सोचें सोच समझकर सोचें, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि जो भी बोलो सोच समझकर बोलो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी सोचो सोच समझ के सोचो, उसके बाद फिर आप नेचुरली आपके जो वर्ड्स हैं वो अच्छे वर्ड्स डेवलप होंगे, और जब अच्छे वर्ड्स डेवलप होंगे तो आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक राजा थे जिनकी एज लगभग 35 वर्ष थी। सुबह सुबह उनके पुरोहित उनके पास आए कि राजा जी मुझे माफ करना, आप मुझे मार भी सकते हैं, आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बताइए, आप परेशान ना हो, बताइए आप। तो पुरोहित जी बोले कि आज मैंने आपकी कुंडली देखी है, कुंडली में मैंने देखा है कि आप 10 जनवरी को आने वाली 10 जनवरी को यानी कि आज से 30 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। तो राजा कहले गया कि परेशान ना हो पुरोहित जी, आप ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दिन भर राजा जी काम करते रहे, शाम को गए, खाना वाना खाया और लेट गए। जहां रोज 10-11 बजे सोते थे उनको रात भर नींद नहीं आई, और जो सुबह 4 बजे उठते थे तो 4 बजे ना उठकर 10 बजे उठे, और बड़े अजीबोगरीब स्थिति में थे कि क्या होगा। तो धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैलने लगी कि पुरोहित ने भविष्यवाणी की है कि राजा की मौत आज से 30 दिन बाद 10 जनवरी को शाम को 4 बजे हो जाएगी। और यही बात धीरे धीरे राजा के मन में घर कर गई और राजा जी बीमार रहने लगे, उनका खाना पीना छूट गया। लेकिन राजा को लगने लगा कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। एक दिन महामंत्री ने सोचा कि क्यों ना मैं पुरोहित के पास चलूं। तो पुरोहित के पास गए, उन्होंने कहा पुरोहित जी एक बार दोबारा आप जो इनकी कुंडली है दोबारा चेक कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से चेक कर ली, मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है कि उनकी मृत्यु 10 जनवरी को शाम को 4 बजे होनी है, निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। 10 जनवरी का समय भी आया, देखा तो राजा की उस दिन स्थिति बहुत खराब थी, 5 दिन से बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया था और बहुत कमजोर हो गए। लेकिन महामंत्री ने फिर पुरोहित को बोला कि आप फिर से एक बार सोच लीजिए कि कहीं ऐसा ना कि आपसे गलत करे, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या कि मैं बार बार इतनी बड़ी भविष्यवाणी गलत करूंगा। तो अच्छा, तो महामंत्री बोले कि पुरोहित जी ये बताओ कि आपकी आयु क्या है, आप कब तक जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 12 दिसंबर 2076 तक को मेरी मृत्यु है, इससे पहले मेरी जिंदगी है। उन्होंने कहा अच्छा। तो तभी महामंत्री ने अपनी तलवार निकाली और जो आपके पुरोहित थे पुरोहित की गर्दन साफ कर दी और कहा देखो पुरोहित झूठ बोलता है, इसको कुछ नहीं मालूम। यही पूरी खबर पूरे महल में फैल गई, पूरे राज्य में फैल गई कि पुरोहित गलत था, राजा जी नहीं मरने वाले हैं। ये बात राजा को पता चली, राजा को लगा कि आप बिल्कुल सही है, मैं मरने वाला नहीं हूं। तभी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे लिए जूस मंगाओ, खाना मंगाओ। और उनको वर्ड्स की जरिए जो आपके उसने वर्ड सुने उससे उसका एक पॉजिटिव एनवायरमेंट बन गया, पॉजिटिव ओरा बन गया, और वो जो उसने भविष्यवाणी की थी वो नहीं। तो हम कहने का सार ये है कि जो हम सोचते हैं तो वही हमारे साथ घटना घटित होने लगती है। एक एग्जाम्पल और मैं इसके साथ साथ देता हूं कि हमारे जो संसार जो वर्ड्स है, हमने देखा है कि उसमें मैंने जो एनालाइज किया है कि तीन तरीके के लोग हैं। एक जो नीचे के लोग हैं, जो गरीब लोग होते हैं, लेवल 1। फिर लेवल 2 पर हम आइडेंटिफाई कैटेगराइज करते हैं कि जो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं। एक जो बहुत ही हाई जेंट्री के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी हम बात करते हैं। गरीब लोग क्या सोचते हैं कि भैया देखो जितना कमाओ शाम को अपना खा लो, और हम तो अमीर लोगों से बहुत अच्छे हैं, उनको तो कहीं डायबिटीज है, कहीं हार्ट की बीमारी है, कुछ नहीं। हम लोगों तो अगर खेत में भी सो जाएंगे तो हमें नींद आ जाएगी। तो नेचर बोलती है उनको ततास्तु, तो वो गरीब के गरीब रहते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जो मीडियोकर लोग होते हैं, जिनकी सैलरी में मतलब आइडिया से अपना बता रहा हूँ, उनकी सैलरी 1-1.5 लाख के आसपास या उसके आसपास होती है। तो कहते हैं देखो भाई ऐसा है कि अपने शांति रहनी चाहिए, मन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए,
आपकी जो भी आप सोच रहे हैं, जो आपके पास है वो बहुत अच्छा है। जो भगवान ने दिया है उसमें ही आपको संतुष्ट रहना है। तो उससे ज्यादा ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ज्यादा टेंशन लोगे तो बीमार होना शुरू हो जाओगे, आपकी शुगर हो जाएगी, आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी, आपकी दूसरी बीमारी हो जाएगी। तो नेचर उनको बोलते हैं तथास्तु, तो हमेशा उसी लेवल पर रहते हैं। आगे उनके बच्चे भी होते हैं, उनके माइंड में भी यही चलता है कि नहीं, पापा ने ऐसा बोला था कि भैया पूजा पाठ करो, भगवान की पूजा पाठ करो, संतुष्ट रहो, ज्यादा सोचो मत, जितना ईश्वर ने दिया है उसी में अपना काम करते रहो। लेकिन एक होती थर्ड कैटेगरी, जिसको हम हाईजेंट्री मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में भी हैं, पूरे संसार में हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे मुझे पैसे की अर्निंग करनी है, उस पैसे को कैसे और बढ़ाना है, और उस पैसे जो मैं अर्निंग कर रहा हूं उससे मैं समाज का फायदा कैसे कर सकता हूं, समाज को कैसे उसके फायदे दे सकता हूं, कैसे लोगों को रोजगार दे सकता हूं। तो नेचर उनको बोलती है ततास्तु, तो उनके पास पैसा ही पैसा होता है, जो भी वो सोचते हैं वो काम होता है। तो ये वर्ड्स की पावर है। तो दोस्तों, मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि यार नहीं, मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, मैं इतना होशियार नहीं हूं, मैं तो बीटेक कर रहा हूं, सीएस मेरी ब्रांच है या इलेक्ट्रिकल मेरी ब्रांच है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को 4 लाख 5 लाख का पैकेज मिलता है। एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरे तो 12th में भी 65% थे, 75% थे मेरे तो, लेकिन मैं तो एवरेज हूं, मैं तो ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया कि अपना वर्ड्स उसको सोचने थे, उसको एनर्जी हो रहा बन गया, तो उसको ज्यादा अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, तो और मैं 50 लाख की जॉब भी गेट कर सकता हूं, प्राप्त कर सकता हूं, तो आपका एनर्जी और बन जाएगा। आपके पास नेचर, जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो आपके आपको जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे आप नए नए टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे, धीरे धीरे आपका पॉजिटिव, अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे, अच्छे मेंटोर आपको मिल जाएंगे, कॉलेज से आपको फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो नेचुरली आपका सिलेक्शन एक दिन आप 50 लाख का पैकेज प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप मान लिया टीचर हैं, टीचर सोचते हैं कि देखो यार, हम तो जॉब कर रहे हैं, हमें तो सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है, किसी की समझ में आए, बच्चों की ना आए, हमें तो अपनी नौकरी से मतलब है, तो वो कभी भी अच्छा टीचर नहीं बन सकता। अगर टीचर ने सोचा नहीं नहीं आई एम द मेंटोर, आई एम द सोशल वर्कर, तो मुझे कुछ करना है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरे अपने बच्चे हैं, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये मेरे अपने हैं, इनको मुझे अच्छे से अच्छा देना है, तो उनके पास कितनी भी प्रेशर हो, घर का प्रेशर हो, सोशल लाइफ का प्रेशर हो, कॉलेज उसकी जॉब का प्रेशर हो, तब भी वो अपना लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और अच्छे सब कुछ देंगे, बच्चों को अच्छा प्रोवाइड करेंगे, तो एक दिन वो बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे, बहुत उनका नाम होगा, लोग उनको याद रखेंगे। तो ये है आपकी वर्ड्स की शक्ति। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक है, इस पर अगर हम दिन रात भी बोलें तो कम है, इसके इतने एग्जाम्पल हैं हमारी लाइफ में, जितने हम उसको दे सकते हैं उतने कम है। देखो, आज जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो भी हम पाते हैं, वो अपने शब्दों की शक्ति से पाते हैं। जैसा हमारा ओरा होता है, एनर्जी ओरा, हमारा एनर्जी ओरा हमारी सोच से बनता है। मैंने पहले भी कहा स्टार्टिंग में कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। क्यों? जैसा आप सोच रहे हैं आपके वर्ड्स वैसे बन रहे हैं, आपके वर्ड्स आपके आपके वर्ड बन रहे हैं, तो आपका संसार वैसे बन रहा है। तो दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अच्छे से अपने बारे में अच्छा सोचें। जो मेरे अभी 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने भी मैं मैसेज देना चाहता हूं, वो भी ये सोचें कि नहीं, आई एम द बेस्ट, मैं अच्छे नंबर प्राप्त कर चुका हूं, मेरे 12th में 90% आ चुके हैं, मैं बहुत खुश हूं, और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, और इसमें मैं बहुत खुश हूं, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो नेचुरली एक दिन आप ये सारी चीजें आप प्राप्त होंगी। क्योंकि देखो क्या होता है, जो भी चीज हम सोचते हैं, जो भी सब कुछ करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी चीजें, उन्हीं से हम क्या होगा, हमारा हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ वही इंसिडेंट होने लगता है। क्योंकि दो चीजें हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत बड़ी रिसर्च का टॉपिक है, बहुत बड़ा एक लिटरेचर है, लेकिन मैं एक ही वर्ड इसको बोलूंगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 95% वर्क करता है, और हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 5% वर्क करता है। जो चीज हम डेली बार बार सोचते हैं
वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई लॉजिक नहीं है, वो जो आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वही आपके साथ होने लगता है। अगर आप सोचो मैं तो गरीब हूं, मैं तो बीमार हूं, देखो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इसे इत्तेफाक करेंगे कि ज्यादातर हमारी, मतलब मैं अपनी जो माताएं बहनें उनसे कहना चाहता हूँ, नाराज मत होना, इनको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो कहती है कि हाय मैं तो बीमार हूँ। कोई पड़ोस की लड़की बहन पूछती है, बहन क्या हुआ, अरे मैं सुबह से बीमार, उसको पूरी अपनी कथा सुनाएंगी, हाय मैं तो बीमार हूँ, हाय मैं तो बीमार हूँ, मेरे तो साथ ऐसा हो रहा है ऐसा, तो उससे क्या हुई, बार बार वो रिपीट कर रही है चीजों को, तो उसके साथ वो इंसिडेंट घटना घटित हुई। अगर आपसे पूछे आप कैसे हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, तो आप, और कोई पूछे आप कैसा चल रहा है, आप शायद बीमार भी हैं, कैसे हैं आप, मैं तो बहुत अच्छा हूं, ईश्वर का आशीर्वाद है, अल्लाह का आशीर्वाद है, गॉड का आशीर्वाद है, तो नेचुरली आप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और एक और चीज बताता हूं आपको मैं इसी के साथ साथ, ये बताना चाहता हूं, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आप डिसाइड करें और उसी को आप बार बार सोचें, बार बार, अगर देखो 10 से 20 मिनट अगर आप डेली आप अपने लिए निकालते हैं, आप आराम से आंख बंद कर बैठ जाएं और सोचें जो भी आपको चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचें, आपको पैसा चाहिए, पैसे के बारे में सोचें, आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो सफलता के बारे में सोचें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो सब चीजें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, और नेचर इसके लिए बाध्य है, बाउंड है कि आप जो सोचोगे वही आपके साथ होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी ये वर्ड्स को यहीं पर समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने वर्ड्स को, पॉजिटिव वर्ड्स आपके आप यूज करोगे अपनी लाइफ में, निगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं करोगे। जो निगेटिव वर्ड को यूज करता है वो हमेशा पीछे रहता है। देखो एक और, चलो छोटी सी एक और याद आ गई मेरे को बात, लोग कहते हैं कि यार जो ये बुरे आदमी है ना, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां हैं, 20 गाड़ियां हैं, और हम तो यार कुछ करते भी नहीं है, हम तो सबका अच्छा करते हैं, रोज पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, और गुरुद्वारे भी जाते हैं, बड़े बड़े हम तीर्थ भी हम कराए, तब भी हम परेशान हैं, हमारे में हम बीमार भी रहते हैं, ये है। इसका रीजन कभी सोचा है? इसका रीजन है कि जो आपकी जिसका आप बुरे लोग कर रहे हैं, मतलब चोर है, चोर के दिमाग में ये आता है कि मुझे चोरी करनी है, वो दूसरा चीज सोचता नहीं तो चोरी कर लेता है, आतंकवादी को सोचता है मुझे मारना है तो मार देता है, बुरे आदमी सोचते हैं कि मुझे तो इसको चीट करके पैसा कमाना है तो चीट कर, उनका विजन क्लियर है। लेकिन जो हम जिनको हम अच्छे लोग बोल रहे हैं, जो हम अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, हम लोग सोचते हैं अरे यार हम नौकरी क्या नौकरी करेंगे, हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, हमारे साथ क्या होगा, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। कभी वो कुछ और सोचते हैं, कभी सोचते हैं अरे नहीं लाइफ में ऐसे चलता है यार, कुछ नहीं है लाइफ में, हम कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में ज्यादा, तो उनका विजन क्लियर नहीं है। तो विजन क्लियर नहीं तो उनकी सोच क्लियर नहीं है, सोच क्लियर नहीं तो वर्ड क्लियर नहीं है, वर्ड क्लियर नहीं तो उनकी जो डेस्टिनेशन है लाइफ का वो क्लियर नहीं है। तो दोस्तों विद द हेल्प ऑफ योर वर्ड्स यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, आप जैसा चाहे अपने भाग्य बना सकते हैं। भाग्य कभी ईश्वर नहीं लिखता है, कोई अल्लाह नहीं लिखता है, कोई ईश्वर बोर्ड नहीं लिखता है, जो भी लिखता है हम लिखते हैं। तो दोस्तों जो भी आपको बनना चाहते हैं आप सोचिए और धीरे धीरे उस तरफ वर्क करिए, तो नेचुरली ब्रह्मांड, यूनिवर्स या जो भी आप जिसको भी मानते हैं, वो आपके सामने सारी चीजें जो रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करेंगे, और आप एक दिन जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू।